गाइस आज के टाइम पे जन्नत जुबेर को कौन नहीं जानता। जन्नत को टिकटॉक की क्वीन भी कहा जाता था। आज के टाइम पे ऐसा कोई सोशल मीडिया यूजर नहीं है जो जन्नत जुबेर को ना जानता हो या उनके वीडियोस ना देखा हो। जन्नत को टिकटॉक से तो पॉपुलैरिटी मिली ही है, इसके अलावा जन्नत बहुत कम उम्र में टीवी पर एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए उनके फैन बच्चे से लेकर बड़े तक सब हैं। जन्नत नवाबा के फैमिली से बिलोंग करती हैं। जन्नत ने इतनी सी उम्र में बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है जिसका लोग सपना देखते हैं। जन्नत ने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो और रियलिटी शोज में भी काम किया है। इसके अलावा जन्नत कई मूवीज में भी नजर आ चुकी हैं और हाल ही में उनका एक मूवी आया है जिसका नाम है कुलचे चोले, जो एक पंजाबी मूवी है। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की क्वीन जन्नत जुबेर रहमान की लाइफ स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे मिस्टर फैसू और जन्नत जुबेर की लव स्टोरी के बारे में। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उनका फुल नेम है जन्नत जुबेर रहमानी, उनका निक नेम है जन्नत। जन्नत का जन्म 29 अगस्त 2001 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। फिलहाल उनका उम्र है 21 साल। प्रोफेशन से वो एक एक्ट्रेस, मॉडल एंड सोशल मीडिया स्टार है। जन्नत का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में। जन्नत के पापा का नाम है जुबेर रहमानी, उनकी माँ का नाम है नाजमीन रहमानी और उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है अयान जुबेर रहमानी। जन्नत का जन्म भले ही मुंबई में हुआ है लेकिन वो लखनऊ की रहने वाली है। एक्चुअली जन्नत के पापा एक्टर बनना चाहते थे इसलिए वो मुंबई आए थे और बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो एक्टर तो बन गए लेकिन एक्टिंग की फील्ड में वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। तो इन्होंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को बचपन से एक्टिंग की फील्ड में डाल दूंगा ताकि वो जब 20-21 साल की हो तो उनके खुद की एक आइडेंटिटी हो। और इसलिए जन्नत के पापा 4-5 साल की उम्र से ही उनको ऑडिशन दिलाने लगे थे। जन्नत बताती है, जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया था तो मैं कैमरे के सामने आकर एक वर्ड भी सही से नहीं बोल पाती थी लेकिन मेरे पापा मुझे हर बार अच्छे से प्रिपेयर करके ले जाते थे और ऐसे ही लगातार मैं 1.5-2 साल तक ऑडिशन देती रही लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिला मुझे। और 10 साल की उम्र में मुझे फुलवा नाम का टीवी शोज में काम मिला और इसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया और इसलिए उनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट और इंडिया टेली अवार्ड इन बेस्ट चाइल्ड का अवार्ड भी मिला है और इससे उनके पापा को बहुत प्राउड फील हुआ था और उन्होंने सोच लिया था कि जन्नत बहुत आगे जाएगी। जन्नत का बचपन से सपना था कि वो एयर होस्टेज बने लेकिन ये सपना उनका कुछ टाइम तक रहा और ये सपना उनका खत्म हो गया। अच्छा हुआ जन्नत एयर होस्टेज नहीं बनी क्योंकि उनको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। 2010 में उनको पहला टीवी शो मिला काशी अब ना रहा तेरा कागज कोरा। उसके बाद फुलवा, भारत का वीरपुत्र, सियासत, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान। उसके बाद 2017-18 में तू आशिकी जिससे उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली थी। इसके बाद 2019 में आपके आ जाने से। इसके बाद 2022 में उनको फेयर फैक्टर खतरे के खिलाड़ी में भी काम करने का मौका मिला था जिसमें वो 4th पोजीशन पर आई थी। जन्नत ने अभी तक 12 से भी ज़्यादा टीवी शोज में काम कर चुकी हैं लेकिन जन्नत को पॉपुलरिटी मिली काशी अपना रहा तेरा कागज कोरा, फुलवा और तू आशिकी जिसमें उन्होंने पंक्ति शर्मा का किरदार निभाया था। और 2022 में रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी काम किया उन्होंने जिसमें उनको लोगों ने बहुत प्यार दिया। जन्नत ने कई मूवीज़ में भी काम किया है जिनमें से 2011 में आँख, द वार्निंग, लव का द एंड, 2017 में व्हाट विल पीपल से, 2018 में हिचकी, उसके बाद 2022 में कुलची चोले इसमें काम किया उन्होंने। इसके अलावा कई टीवी शोज में ही नज़र आ चुकी हैं और बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में काम किया है। जन्नत बहुत पहले से ही म्यूजिकल पर एक्टिव थी बट बीच में उनको बहुत काम मिलने की वजह से जन्नत ने वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया था। उसके बाद 2018 में एन के साथ उन्होंने कुछ फनी टिकटॉक वीडियोस क्रिएट किया था जो वीडियोस सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और बहुत तेज़ी से फॉलोअर्स भी गेन हो रहे थे और कुछ ही महीने में उनका 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए थे। तब जन्नत इंडिया की पहली क्रिएटर थी जो टिकटॉक पर 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हासिल किया था और वो बहुत फेमस हो गई थी और हर एक प्लेटफॉर्म पर उनका वीडियोज़ वायरल हो रहा था। जिस वक्त जन्नत फेमस हो रही थी उस वक्त मिस्टर फैसू भी बहुत तेज़ी से फेमस हो रहे थे और फैसू और जन्नत ने कॉलअप कर लिया था जिसके बाद लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इन दोनों की जोड़ी के लोगों ने बहुत प्यार दिया। इन दोनों ने कई वीडियोस एक साथ बनाया जिस पर मिलियंस पर लाइक्स आने लगे। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत में ही इनको एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर आया जो था तेरे बिन की वे जिसमें उन्होंने काम किया। इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती को देखकर लोगों को लगा कि ये दोनों रिलेशन में हैं लेकिन फैसू से जब एक इंटरव्यू के दौरान उनको पूछा गया कि जन्नत आपकी गर्लफ्रेंड है तो फैसू ने बताया वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। और जब इस बात को जन्नत से पूछा गया तो जन्नत ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आप लोग बंद कीजिए,
हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। जब साल 2020 में इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो उनका करीबन 30 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पर, और आज के टाइम पर उनका टिकटॉक पर 40 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम के रील्स पर और वीडियोज अपलोड करने लगी, जहाँ पर उनका अभी के टाइम पर 45 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा जन्नत का एक ब्लॉग चैनल भी है यूट्यूब पर, जहाँ पर 36 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। जन्नत अपने बेस्ट फ्रेंड अपने पापा को मानती हैं। इसके अलावा फैसू, अनुष्का सेन, अरिस्पा खान, सिद्धार्थ निगम उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। जन्नत के इंस्टाग्राम पर लाखों फैन पेज है, जिसे देखकर जन्नत को बहुत खुशी होती है। जन्नत को बिरयानी खाना, केक खाना, चॉकलेट, पास्ता, ये सब खाना बहुत पसंद है। जन्नत ने हाल ही में अपनी फैमिली के साथ उम्रा किया है और जन्नत बहुत खुश है। लोगों का कहना है, जन्नत आप हमेशा हिजाब में रहा करें, आपको इसमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जन्नत एक मॉडल है, उनके लिए ये सब करना शायद मुश्किल होगा और वो शायद नहीं करेंगी। लेकिन लोगों का उम्मीद बहुत जुड़ा हुआ है कि जन्नत इस बार सुधर जाएंगी और हिजाब में रहेंगी। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो क्या करती हैं। वैसे उनके फेवरेट एक्टर्स हैं प्रियंका चोपड़ा, उनके फेवरेट एक्टर है सलमान खान। जन्नत को ब्लैक कलर बहुत पसंद है। इतना कम उम्र में इतना बड़ा सक्सेस हासिल करने के बाद जन्नत कहती हैं, अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को सीखने का और काम करने का कोशिश करता है और अपने मेंटर्स की बात ठीक से सुनता है और समझता है तो कुछ भी हासिल कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जन्नत इस वक्त टीवी पर ज़्यादा नज़र नहीं आती है और उनके फैंस बहुत मिस करते हैं उनको। जन्नत इस वक्त ज़्यादातर एल्बम सॉन्ग्स में नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। उन्होंने बहुत सारे ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक वीडियो में काम किया है, जिनमें से जिंदगी दी पूरी, फ्रूटी लगती है, रिंग टोंग, लहजा, तू मेरा मिसरा है, चांद नाराज़ है, वल्ला वल्ला, इश्क फर्जी और भी कई सारे हिट म्यूज़िक वीडियो में उन्होंने काम किया है। जन्नत को इस वक्त सोशल मीडिया की क्वीन कहा जाता है और आज कोई ऐसे सोशल मीडिया यूज़र नहीं है जो जन्नत को ना जानता हो। गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू। तेरी जिंदगी को जन्नत बनाएंगे हम तो भी। तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे।